नमस्कार दोस्तों, सलमान खान को काले हिरण की हत्या के मामले में 5 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना हुआ। इस सजा को लेकर सलमान खान के लाखों फैन दुखी हो गए। वहीं समाज का एक ऐसा तबका भी है जो इस सजा का जश्न मना रहा है। कौन है ये समाज, कौन है ये लोग? दोस्तों, ये लोग हैं बिश्नोई। ये समाज है बिश्नोई समाज। तो बिश्नोई समाज क्यों इस सजा का जश्न मना रहा है? 1998 में जब सलमान ने 2 काले हिरणों की हत्या की थी, तो उस समय बिश्नोई समाज ने ही इस हत्या पर सलमान खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बिश्नोई समाज ही 20 सालों से इस केस की पैरवी कर रहा है। इसी समाज के 4 लोगों की गवाही सबसे अहम है। तो कौन है ये बिश्नोई समाज? तो बिश्नोई समाज के लोग प्राणियों, पेड़ पौधों को अपना भगवान मानते हैं। दोस्तों, ये लोग राजस्थान की मरुभूमि के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी रहते हैं। राजस्थान में इनकी जनसंख्या मात्र 2% है, लगभग 13 लाख। सफेद वस्त्र और सफेद पगड़ी इनका सम्मान बढ़ाती है। ये लोग शाकाहारी होते हैं। इनके इलाकों में वन्य जीवों के रक्षण की जिम्मेदारी ये लोग ही निभाते हैं। दोस्तों, आपको कई चित्र देखे होंगे जिसमें एक बिश्नोई महिला एक हिरण को अपना दूध पिला रही है, स्तनपान करा रही है। तो दोस्तों, ये बिश्नोई समाज की महिलाएं हिरणों को, प्राणियों को अपनी संतान के समान प्रेम करती है। बियाबान जंगल में पेड़ पौधों और प्राणियों का रक्षक है ये बिश्नोई समाज। बिश्नोई समाज के लोग पेड़ों और प्राणियों की रक्षा के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देते हैं। इसीलिए जब सलमान ने हिरणों की हत्या की तो बिश्नोई समाज सड़कों पर आ गया। दोस्तों, बिश्नोई समाज अपने आदि गुरु जंभेश्वर के बताए 29 नियमों का पालन करता है। इसमें एक नियम है वन्य जीवों की रक्षा एवं वनों की देखभाल करना। जोधपुर से सांसद रहे जसवंत सिंह का कहना है कि हमारे आदि गुरु जंभेश्वर ने हमें जीव दया का पाठ पढ़ाया था। उन्होंने नियम दिया था, जीव दया पालनी रूख लीलू नहीं घावे, यानी जीवों पर दया करनी है और रूख यानी पेड़, एक भी हरे पेड़ को घाव नहीं पहुंचाना है। दोस्तों, ये प्राणी प्रेम, ये वृक्ष प्रेम, ये जो बिश्नोई समाज है इसकी रग रग में उतर गया है। ऐसा नहीं है, ये जो प्रजा है, ये जो समाज है, आदिकाल से, रियासत काल से ही वन्य जीवों की रक्षा की खातर अपने रियासतों से भी लड़ता आया है। इन्होंने अपने प्राणों की परवाह कभी नहीं की। ईस्वी सन 1787 में राजा अभय सिंह ने पेड़ों को काटने का फरमान किया। उस समय ये लोग राजा से रियासत से लड़ गए। उस समय नारा दिया गया था, सर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान, यानी सिर देकर भी अगर पेड़ बचता है तो उसे सस्ता मानना चाहिए। इतना अद्भुत है इन लोगों का प्राणी प्रेम, वृक्ष प्रेम। तो जब लोग पेड़ काटने आए तो खेजलड़ी और उसके आसपास के गांव के लोगों ने विरोध किया। उनका नेतृत्व किया अमृता देवी ने। इस समय बिश्नोई समाज के 373 लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। इनमें 111 महिलाएं थी। इन्हीं की याद में खेजलड़ी में एक मेले का आयोजन किया जाता है। बिश्नोई समाज के लोग अपने पुरखों की कुर्बानी को याद करते हैं और वृक्ष प्रेम, प्राणी प्रेम का जो इनके अंदर अनुशासन है, जो परंपरा है, उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, इनके गुरु जंभेश्वर का जन्म 1451 में हुआ था और बीकानेर जिले में समरथल में इनका समाधि स्थल है, जो बिश्नोई का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। मुंशी हरदयाल ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि बिश्नोई समाज के स्थापक जम्बो जी पंवार राजपूत थे। जब 1487 में जबरदस्त सूखा पड़ा तो जम्बो जी ने लोगों की खूब सेवा की। इससे बड़ी तादाद में जाट समाज के लोगों ने बिश्नोई धर्म अपना लिया। बिश्नोई समाज के लोग जम्बो जी को विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं। तो दोस्तों, जम्बो जी ने 29 सूत्र दिए थे, 20 और 9, इसी पर से बिश्नोई समाज का नाम पड़ा। दोस्तों, सलमान को सजा हुई है, मगर इसमें जो हम उसके पीछे जो समाज का जो प्राणी प्रेम है, वृक्ष प्रेम है, उसे हमें